गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, ये विजन की 11 जून की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ द चाइल्ड लेबर ग्लोबल एस्टिमेट्स 2020 ट्रेंड्स एंड द रोड फॉरवर्ड रिलीज बाय द ILO एंड द यूनिसेफ। तो गाइस, ये जो हमारी न्यूज़ है, क्योंकि जो चाइल्ड लेबर है वो एक सोशल इशूज़ का एक मैटर है, सो इट इज़ कवर्ड इन द सोशल इशूज़ आइदर अंडर GS1 और GS2। अब ये जो एस्टिमेट है, ये जो रिपोर्ट है, वो किसके द्वारा पब्लिश की गई है, सो यू शुड नो अबाउट दैट इज़ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड द यूनिसेफ। अब जरा हम पढ़ लेते हैं। चाइल्ड लेबर, आपको पता ही है कि वो ऐसा वर्क जिसमें हम बच्चों से काम कराते हैं और बच्चों को डिप्राइव करते हैं उनके बचपने से, चाइल्डहुड से, या उनका जो पोटेंशियल है जो वो अपनी एज में यूटिलाइज कर सकते हैं, उनकी डिग्निटी, या फिर जो बच्चों के फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट के लिए हार्मफुल हो। फाइन, तो आप जरा देख सकते हो इंडिया में चाइल्ड लेबर का क्या स्टेटस है। सबसे पहले हम ये देखते हैं, सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया में जिन बच्चों की एज 5 to 14 ईयर्स के बीच में है, ऐसे बच्चे 10.1 मिलियन है जो एज अ चाइल्ड लेबर काम करते हैं। यूपी, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र और MP, यहाँ पे सबसे ज़्यादा चाइल्ड लेबर प्रिवेलेंट है, और ये 5 स्टेट्स पे नियर अबाउट 55% कॉन्ट्रीब्यूशन देता है चिल्ड्रन लेबर में। ठीक है, अब क्या क्या स्टेप्स ऑलरेडी इंडिया ने लिए गए हैं सो दैट हम इंडिया में इस चीज़ को एड्रेस कर सके। सबसे पहले हमने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो कन्वेंशन है, कन्वेंशन नंबर 182, उसको हमने रेटिफाई कर रखा है, जो किस पे है, ऑन द वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ द चाइल्ड लेबर। और साथ में हमने कन्वेंशन नंबर 138 पे भी रेटिफाई कर रखा है, जिसमें यह ऑन द मिनिमम एज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसके अलावा हमारे पास चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट भी है, जो 2016 में आया था। इसके अलावा आपको पता ही है वैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल है, आप मुझे वो अंडर आर्टिकल बताएंगे और थोड़ा सा उसके बारे में मुझे बताएंगे। इसके अलावा नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट स्कीम भी है, पेंसिल है, दैट इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव एनफोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर पोर्टल। ठीक है, तो ये सब जैसे पेंसिल पोर्टल है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए किससे रिलेटेड है। इट इज़ रिलेटेड सो दैट वी कैन एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ द चाइल्ड लेबर। अब जरा हम देखते हैं कि ये जो रिपोर्ट आई है, इसमें क्या क्या फाइंडिंग्स है। तो इसमें यही बोला गया कि अभी जो ऐसे 160 मिलियन बच्चे हैं जो क्या करते हैं, चाइल्ड लेबर के तौर पे काम करते हैं, इसमें से 63 मिलियन गर्ल्स हैं और 97 मिलियन बॉयज़ हैं, जो ये चाइल्ड लेबर का जो प्रॉब्लम है ग्लोबली बताया जा रहा है। बिगिनिंग ऑफ 2020 में इतनी रिपोर्ट की गई है, और हर 10 में से एक जो बच्चा है वो कहीं ना कहीं इफेक्टेड है फ्रॉम दिस सीन। ठीक है, इसके अलावा जो ग्लोबल प्रोग्रेस है अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, वो 2016 से स्टैग्नेटेड हो चुके हैं। मतलब कि हम चाह रहे थे कि जल्दी से जल्दी इन नंबर्स को हम कम करें, या फिर मतलब कि थोड़ा सा रिड्यूस करें, लेकिन वो जो ग्रोथ है वो हमारी जो चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट होनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा ठहर गई है, और वो बिल्कुल स्टैग्नेंट हो चुकी है 2016 से। इसके अलावा जो सब सहारन अफ्रीका है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रिवेलेंट है ये जो चाइल्ड लेबर है, और सबसे ज़्यादा तो बच्चे हैं वो वहीं पे हैं चाइल्ड लेबर, मतलब कि 86.6 मिलियन बच्चे आउट ऑफ 160 मिलियन में से नियर अबाउट हाफ, मोर देन हाफ जो बच्चे हैं वो सब सहारन अफ्रीका में हैं। इसके अलावा जो 72% जो सभी चाइल्ड लेबर होते हैं वो विद इन द फैमिलीज हैं, प्राइमरली वो बच्चे जैसे जो फार्म्स पे काम करते हैं अपनी फैमिली की, या फिर जो अपनी फैमिली के कुछ माइक्रो एंटरप्राइज हैं उनमें ही काम करते हैं। ग्लोबली जो 9 मिलियन बच्चे और रिस्क पे हैं कि वो शायद चाइल्ड लेबर में चले जाएंगे, बिकॉज COVID-19 पेंडेमिक आई है, उसकी वजह से 2022 के एंड तक 9 मिलियन एडिशनल चिल्ड्रंस हैं, दे विल पुश्ड इनटू अ चाइल्ड लेबर बाय द एंड ऑफ 2020 बिकॉज ऑफ COVID-19 पेंडेमिक। रिकमेंडेशन ये कि हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें इंक्रीज़ करना चाहिए एजुकेशन पे पैसा, इंक्रीज़ करना चाहिए, इंक्रीज स्पेंडिंग ऑन द फ्री, और हमें गुड क्वालिटी स्कूलिंग प्रोवाइड करनी चाहिए सो दैट सभी बच्चों को हम वापस स्कूल में एडमिशन करवा सकें। इसके अलावा हमें डिसेंट वर्क प्रमोट करना चाहिए अडल्ट्स के लिए, सो दैट कि जो फैमिलीज़ हैं उनको ऐसी मतलब कि वो ही ना पड़े, लाइक मौका ही ना मिले कि उनको अपने बच्चों को काम पे उतारना पड़े। ठीक है, सो दैट वो जो बड़े हैं वो खुद ही अपनी फैमिली इनकम जनरेट कर लें। इसके अलावा इंश्योर करना होगा कि जो सभी नेसेसरी जो रेगुलेशंस है वो इंप्लीमेंट हो रही है सो दैट हम बच्चों को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, बैक्ड बाय द एनफोर्समेंट मशीनरी एंड द चाइल्ड प्रोटेक्शन सिस्टम। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिलीज द ऑल इंडिया सर्वे ऑन द हायर एजुकेशन रिपोर्ट 2019-20। देखो इस अगेन ये जो न्यूज़ है हमारी सोशल इशूज़ में कवर होती है। देखो प्रीलियम्स पॉइंट ऑफ व्यू से यही इंपॉर्टेंट है कि जो ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन रिपोर्ट है वो कौन रिलीज़ करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। बाकी देखो इसके अंडर की जो बिल्कुल जो न्यूज़ है कि क्या जो स्टेटस है या फिर कितना परसेंटेज है, जो भी इसमें जो फिगर्स हैं वो आप क्या कहाँ लिख सकते हो, अपने मीन्स में लिख सकते हो। अभी ये जो सर्वे रिपोर्ट आई है इसमें हमने सभी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को कवर किया जो हमारे इंडिया के, जिनको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, कॉलेज होते हैं, और जो स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन होते हैं। अब आपको पता है यूनिवर्सिटी क्या होते हैं, जैसे आपने देखा होगा लाइक जैसे
कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हो गई फाइन, या फिर इस तरह की जो यूनिवर्सिटीज़ होगी जिसके अंडर और भी ज़्यादा कॉलेजेस होते हैं, ठीक है। ये मैंने अपना एक हरियाणा को एग्जाम्पल दिया, ठीक है। कॉलेजेस हो गए जो किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होते हैं तो वो कॉलेजेस हो जाते हैं। स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस हो गए, जैसे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी होगी, जो अपनी जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती हैं अपनी अपनी, दैट वी कैन कॉल्ड अ स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो इस तरह से तीन तरह में कैटेगराइज होते हैं, यूनिवर्सिटी, कॉलेज एंड स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन। अभी जो डाटा कलेक्ट किया गया है वो डिफरेंट पैरामीटर्स पर कलेक्ट किया गया कि उस पर्टिकुलर कॉलेज की डेंसिटी कितनी है, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो कितनी है, फाइन, मतलब कि ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो की डे हर साल उसमें कितना मतलब कि एडमिशन हो रहा है, प्यूपिल टीचर रेशियो कितनी है, मतलब कि जिस हिसाब से बच्चे हैं उसके अकॉर्डिंग टीचर्स उनको अलॉट हैं या नहीं, पर चले बच्चे ज़्यादा हो टीचर कम हो, फाइन, ऐसा तो नहीं है। जेंडर पैरिटी इंडेक्स, मतलब कि जेंडर रेशियो कितना है, लड़कियाँ कम तो नहीं है, लड़के ज़्यादा हैं, इस तरह से हम करें। तो फाइंडिंग ये है कि जो नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं पर लैक एलिजिबल पॉपुलेशन, मतलब देखो सिंपल बात यह है कि 1 लाख बच्चों पे कितने कॉलेजेस होने चाहिए, ये बताता है कि नियर अबाउट 1 लाख बच्चों पे 30 एवरेज कॉलेजेस होने चाहिए, ठीक है। तो अभी के जो एलिजिबल पॉपुलेशन पे जिन बच्चों की एज 18 से 23 साल तक की है, तो उसमें जो नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं वो बिहार में लोएस्ट है, 7 है पर लैक पॉपुलेशन पे, और कर्नाटका में सबसे ज़्यादा है, 59 है, एज़ कम्पेयर टू ऑल इंडिया एवरेज 30, मतलब ऑल इंडिया एवरेज 30 होनी चाहिए, और बिहार में सबसे कम है, 7 है, और कर्नाटका में सबसे ज़्यादा, दैट इज़ 59 है। ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, मतलब कि कौन से बच्चे जो अपने एलिजिबल एज में हैं वो बच्चे एनरोल्ड हो रहे हैं हायर एजुकेशन में 2019-20 में, वो 27.1% है, मतलब कि थोड़ा सा बड़ा, जो कि 2018-19 में 26.3% थे। ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो जो मेल का है वो 26.9 है, फीमेल का ये 27.3 है, शेड्यूल कास्ट का 23.4 है, और शेड्यूल ट्राइब्स का ये 18 है। PhD लेवल पर अगर देखा जाए तो मैक्सिमम नंबर जो स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं वो या तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं या फिर टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड के हैं, जो जिन्होंने साइंस फॉलो की है, फाइन। तो आप देख रहे हो रिसर्च सेंटर में या PhD लेवल पर मेनली जो साइंस के बच्चे हैं वही क्या करते हैं, हायर एजुकेशन परस्यू करते हैं, और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं वो सोशल साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, फाइन। इसके अलावा अगर हम जेंडर पैरिटी इंडेक्स देखें हायर एजुकेशन में 2019-20 में, वो 1.01 है, मतलब आप देख रहे हो कि फीमेल्स की एनरोलमेंट हायर एजुकेशन पे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मेल, मतलब कि 2018-19 में वो 1 थी और 19-20 में ही बढ़ के 1.01 होगी, मतलब कि हमारी हायर एजुकेशन में फीमेल्स के लिए इंप्रूवमेंट हुई है ऑफ दिस एलिजिबल एज ग्रुप कंपेयर टू द मेल्स, फाइन। तो इट इज़ अ गुड न्यूज़, फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है, दैट इज़ अ 23 स्टेट्स इंप्लीमेंटिंग की इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स कैन बिल बोरो रुपीज, सॉरी 23 स्टेट्स इंप्लीमेंटिंग की इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स कैन बोरो रुपीज़ 1.06 लाख करोड़ मोर। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है इकोनॉमी में कवर होगी अंडर GST। तो गाइस ये जो न्यूज़ है हमारा बिल्कुल मेंस ओरिएंटेड है, ऐसा इसमें कुछ मुझे तो नहीं लग रहा जो प्रीलियम्स ओरिएंटेड है, बाकी हम एक बार देख लेते हैं कि देखो लास्ट ईयर क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या की थी, जो स्टेट्स की जो बोरिंग लिमिट थी उनको इंक्रीज़ कर दी थी, मतलब कि जो स्टेट, जैसे आपकी GDP नेशनल होती है ना, हमारी कंट्री की GDP, उस तरह हर एक स्टेट की एक GDP होती है, तो उसमें यह था कि सेंटर अलाउड करती है कि वो पर्टिकुलर स्टेट अपनी जो स्टेट की GDP है उसका 3% बोरो कर सकते हैं, लेकिन लास्ट ईयर कोविड की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये जो बोरिंग लिमिट थी बढ़ा के कितनी कर दी थी, 5% कर दी थी, जिसमें से ये बोला था कि जो 1% है वो हम लिंक करेंगे 4 सेट, मतलब कि अगर आप अपनी खर्चा बढ़ा रहे हो, अगर आप बोरिंग लिमिट किसी स्टेट की बढ़ा रहे हो, तो उसमें से ऑफकोर्स हमें मेनली 4 रिफॉर्म उन्होंने किए थे, ठीक है। सबसे पहले जो FRBM Act 2003 का है, FRBM Act के फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ अ फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट। इसमें यही था कि जो गवर्नमेंट को अपना जो फिस्कल डेफिसिट है उसको 3% ऑफ GDP तक कंट्रोल करके रखना है बाय 31 मार्च 2021। अब देखो ये क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, देखो ये अब छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो गाइस जिसको आता है आप फिस्कल डेफिसिट की डेफिनेशन मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो, और जिसको नहीं आता वो उन कमेंट्स को पढ़े, नहीं तो अपना गूगल करो, यहीं से आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ों का पढ़ोगे, ठीक है। व्हाट इज़ फिस्कल डेफिसिट, ये छोटी टर्म्स हैं, जब आप अपना सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आपको अच्छे से पता होगी, ठीक है। इस एक्ट के रिवार्ड क्या है, हम क्या करते हैं, कुछ सर्टेन कंडीशंस के अंदर एनुअल जो फिस्कल डेफिसिट टारगेट है उसमें थोड़ा सा डेविएट होते हैं, फाइन। अभी क्या 200 बेसिस पॉइंट रेज करने में जो 50 बेसिस पॉइंट है वो अनकंडीशनल है, जबकि 150 पॉइंट कंडीशनल है। देखो इसमें क्या, जो 100 जो बेसिस पॉइंट्स हैं उसमें क्या है? मतलब देखो हर एक जो स्टेट है उन्होंने अपने 200 बेसिस पॉइंट्स पे काम करना है, जिसमें 50 बेसिस पॉइंट तो अनकंडीशनल है और 150 पॉइंट्स है कंडीशनल है। जिसमें से 100 बेसिस पॉइंट्स में क्या आपको रिफॉर्म कराना है, किस किस में, वन नेशन वन राशन कार्ड में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अपने स्टेट का बढ़ाना है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन इसमें इंप्रूव करना है, या अर्बन लोकल बॉर्डर अवेयरनेस, इन सबको इंप्रूव करना है। हर एक जो रिफॉर्म की जो वेटेज है वो 25 बेसिस पॉइंट है, फाइन। 50 बेसिस पॉइंट आप एक्स्ट्रा बोलेंगे, मतलब सिंपल बात यह है कि जैसे हमने क्या किया, हर एक स्टेट की जो लिमिट है वो 3% से 5% बढ़ा दिया,
लेकिन वो तभी बोरो कर सकते हैं अगर वो इन्हीं चीज़ में कहीं पे रिफॉर्म करना चाह रहे हो, फाइन। तो अगर वो रिफॉर्म करेंगे तभी वो उनको बोरो करना अलाउड है। 50 बेसिस पॉइंट एक्स्ट्रा, अगर मतलब कि अगर उस पर्टिकुलर स्टेट ने अगर वो माइलस्टोन अचीव कर लिया तब उनको क्या पता हम एक्स्ट्रा 50 बेसिस पॉइंट दे देंगे कि हाँ आप और पैसा भी उधार ले सकते हो, बोरो कर सकते हो, ठीक है। अगर उन्होंने चार रिफॉर्म एरियाज में से एटलीस्ट तीन एरियाज में जो अचीवमेंट है माइलस्टोन है वो अचीव कर लो, ठीक है। रिस्पेक्टिव जो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज हैं, पावर, हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट या कमर्स इंडस्ट्री है या फूड है, वो स्टेट की परफॉर्मेंस को क्या करती है, मॉनिटर करती है अगेंस्ट द रिफॉर्म्स, फाइन। तो गाइस आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ते हैं हम, दैट इज़ द इंडिया रजिस्टर्ड द एक्सीलेंट ग्रोथ इन द एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स ड्यूरिंग द 2020-2021। अब गाइस ये जो न्यूज़ है हमारी इकोनॉमी में कवर होगी अंडर एग्रीकल्चर सेक्शन, फाइन। क्योंकि देखो यहाँ पे एक्सपोर्ट की बात हो रही है तो यहाँ पे हमारी कहीं ना कहीं इकोनॉमी बढ़ रही है ना, अच्छी हो रही है, डेफिसिट घटेगा, तो इसलिए जो चीज़ है हमारी किस में कवर हो जाएगी, इकोनॉमी में कवर होगी। अगेन गाइस ये थोड़ी मेस ओरिएंटेड रहेगी, बाकी कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो प्रीलिम्स में पूछा जाए। अभी क्या पिछले तीन सालों से एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट से रिलेटेड हमारी इंडिया की कुछ जो ग्रोथ थी वो बहुत ज़्यादा रुक गई थी, थम सी गई थी, ठीक है। तो इस वजह से अभी क्या है, देखो आफ्टर रिमेनिंग स्टेगनेंट फॉर लास्ट 3 ईयर्स, अब जो हमारी एग्रीकल्चर या उससे एलिड जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी एक्सपोर्ट थोड़ी सी बढ़ी है, 17.34% बढ़ी है, मतलब कि अब हमने $41.25 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है। और इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा है अगले कुछ सालों में वो सीरियल, स्पाइसेस और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की भी एक्सपोर्ट को ग्रोथ करेगा। पहली बार क्या है हमने एक्सपोर्ट किया है कहाँ से, वेजिटेबल और मैंगोज को एक्सपोर्ट किया वाराणसी से, और ब्लैक राइस को एक्सपोर्ट किया कहाँ से, चंदौली से। लार्जेस्ट जो मार्केट है इंडिया के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, मतलब कि इंडिया के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स सबसे ज़्यादा किस कंट्री में एक्सपोर्ट होते हैं, वो कौन कौन से, यूएसए, चाइना, बांग्लादेश, यूएई, वियतनाम, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, नेपाल, ईरान एंड मलेशिया। अब हम ग्रोथ क्यों हो रही है हमारी एग्रीकल्चर जो एक्सपोर्ट हैं वो इतना बड़ा क्यों है, सबसे पहले क्या कोविड आया, कोविड की वजह से हमारे पास अपॉर्चुनिटी था क्योंकि काफ़ी कंट्रीज उन्होंने चाइना को कहीं ना कहीं वो कर दिया, बॉयकट कर दिया, तो अपॉर्चुनिटीज आई हमारी कोविड की वजह से, जिस वजह से हमने अपने जो हमारी कॉमोडिटी प्राइस है वो भी बढ़े और हमारे जो हमारा स्टेपल फूड है जैसे जो कोर्स ग्रेन्स हो गए उनकी डिमांड भी बढ़ी। इसके अलावा हमने काफ़ी प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट कर रखे हैं जो अपेडा ने कर रखे, दैट इज़ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी में, जिसमें हमने क्या किया 46 यूनिक प्रोडक्ट डिस्ट्रिक्ट क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई किया सो दैट हम उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो फेमस प्रोडक्ट्स हैं, उनको हम एक्सपोर्ट प्रमोट कर सकें। इसके अलावा ना हमने कंट्री स्पेसिफिक एग्री एक्सपोर्ट स्ट्रेटेजी रिपोर्ट बनाई, मतलब कि हमने ये देखा, हमने हर एक कंट्री की देखा कि हमारे किस कंट्री में किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है, तो हमने उस अपने उसके अकॉर्डिंग हमने उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग हमने अपना चीज़ को ग्रोथ किए, प्रोडक्शन बढ़ाई सो दैट हम वो चीज़ पर्टिकुलर उस कंट्री में क्या कर सकें, हम एक्सपोर्ट कर सकें। इसके अलावा हमारी जो एग्री सेल्स हैं डिफरेंट एम्बेसी, मतलब कि आपको पता है ना हर एक कंट्री की एम्बेसी इंडिया में होती है, उसी तरह इंडिया की एम्बेसीज भी हर एक कंट्री में होती है, तो वहाँ पर भी हमने एग्री सेल्स को डेवलप किया है, फाइन। अब इससे भी ना हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनका मार्केट एसेस हो रहा है। इंडिया रिसेंटली क्या काफ़ी इंडिया को अपना इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको मार्केट एसेस मिला है, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में किसको, पोमीग्रेनेट को, ठीक है, अब अर्जेंटीना में मैंगो और बासमती राइस को, और ईरान में कैरेट सीड्स को। अब इंडिया, इसके अलावा इंडिया काफ़ी और न्यू मार्केट्स को भी कैप्चर करी है, स्पेशली टिमोर लेस्ते, पपुआ न्यू गिनी, ब्राज़ील, चिली एंड द प्यूर्टो रिको, ठीक है। तो इसके अलावा यूरोपियन यूनियन नॉर्म्स हैं जिसकी वजह से हमारा जो बासमती राइस का एक्सपोर्ट भी बढ़ा है। इसके अलावा काफ़ी जो हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं उनको GI टैग मिल गया, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्ट है वो इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी और फेमस हो गया, फाइन। तो अब आप देख सकते हो इंडिया का फार्म एक्सपोर्ट्स कितना है हर साल, ये आप अब देख सकते हो गाइस। चलिए हम अपनी पढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में, चीता टू मेक अ कम बैक इन इंडिया आफ्टर हाफ अ सेंचुरी। तो गाइस ये जो न्यूज़ है हमारी एनवायरनमेंट में कवर होगी अंडर GS3। तो गाइस वैसे तो ये प्रीलिम्स की न्यूज़ है, बिकॉज आपसे पूछ सकते हैं चीता का क्या IUCN स्टेटस है, या फिर कहाँ कहाँ पे वो इसकी मतलब कि एंडेमिक स्पीसीज कहाँ से, किस किस कंट्री में पाया जाता है, तो ये सब जो पॉइंट्स हैं वो मेनली हमारी प्रीलिम्स ओरिएंटेड होते हैं। अब जरा हम देखते हैं अभी क्या जो 8 चीताज हैं साउथ अफ्रीका से, उनको हम रिहेबिलेट करेंगे कहाँ पे, मध्य प्रदेश के कुन्नू नेशनल पार्क में। और ये वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि हम इतना बड़ा जो कार्निवोरस है, कार्निवोरस आपको पता ही है जो किसको खाता है, मेनली मतलब कि नॉन वेजिटेरियन होता है, सिंपल बात ये कि इतने बड़े कार्निवोरस को हम किसी और कंट्री से रिलोकेट करेंगे, ठीक है। मतलब एक कॉन्टिनेंट कहाँ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट कहाँ एशिया कॉन्टिनेंट पे हम क्या करेंगे, रिहैबिलिट करेंगे। जो ये कुन्नू नेशनल पार्क है वो किसका पार्ट है, कुन्नू पलपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का,
जो कि शिवपुर शिवपुरी फॉरेस्ट लैंडस्केप है, और ये एक सूटेबल लोकेशन है जहाँ पे हम इस चीता को क्या कर सकते हैं, रिहेबिलिट कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे इसको फेवरेबल हैबिटेट भी है और यहाँ पे इसका जो शिकार है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पाया जाएगा। ये पहला प्लेस है जो MP के द्वारा प्रिपेयर किया गया सो दैट वहाँ पर हम एशियाटिक लॉयंस को हाउस कर सकते थे। हाई वो जो करंट लोकेशन है वो हम अटैम्प्ट, ये जो करंट जो रीलोकेशन अटैम्प्ट है वो हमने 2010 से शुरू किया गया, लेकिन लास्ट ईयर है जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको फाइनली अप्रूवल दे दिया। मतलब कि हम 2010 से मतलब कि अप्लाई कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट हमें अलाउड कर दे, लेकिन अभी तक हरी झंडी नहीं मिली थी, तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। चीता को हमारे इंडिया में एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया था 1952 में, और ईरान के पास एशियाटिक चीता की सब स्पीसीज है, लेकिन उन्होंने इंडिया के साथ शेयर करने को मना कर दिया था, तो इसकी वजह से इंडिया को वापस अफ्रीका में मतलब कि देखना पड़ा, क्योंकि ईरान ने मना कर दिया, तो अब हमारे पास जो ऑप्शन बचा वो अफ्रीका बचा। अब इंपॉर्टेंस क्या, हम अगर रीलोकेट करेंगे तो उससे इंपॉर्टेंस क्या, ऑफकोर्स देखो चीता कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है बिकॉज एक फ्लैगशिप। अब गाइस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे फ्लैगशिप स्पीसीज क्या होती है, जैसे देखो डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज होती हैं, अम्ब्रेला स्पीसीज हो गया, कीनोट स्पीसीज हो गया, फ्लैगशिप स्पीसीज हो गया, तो ये आप थोड़ा सा पढ़ना ना मुझे फ्लैगशिप स्पीसीज क्या होती हैं। देखो इसमें वैसे लिखा हुआ है फ्लैगशिप स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं जिनकी कंजर्वेशन से क्या होता है, हम और मतलब अगर हम इन्हें कंजर्व कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली हम और भी स्पीसीज को प्रोटेक्ट करते हैं, तो वो इसका मतलब उन स्पीसीज को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट अदर स्पीसीज। फाइन, तो चीता की कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये फ्लैगशिप स्पीसीज है, और इससे वहाँ के ग्रासलैंड्स भी रिवाइव होंगे और वहाँ का जो बायोम्स और हैबिटेट है वो भी वो क्या होगा, रिवाइव होगा। ग्रासलैंड एक ह्यूजली निगलेक्टेड हैबिटेट है हमारी कंट्री में डिस्पाइट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ शेड्यूल प्रोटेक्टेड एनिमल्स अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एक्ट रिजाइडिंग इन दिस कंट्री। अब आप देख सकते हो चीता का IUCN स्टेटस क्या है। देखो दो तरह के चीता होते हैं, अफ्रीकन चीता एक एशियाटिक चीता। अफ्रीकन चीता वल्नरेबल है, फाइन, अभी दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, और एशियाटिक चीता क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। एशियाटिक चीता अभी ओनली 50 to 70 बचे हैं और वो भी सिर्फ ईरान में है, जबकि जो अफ्रीकन चीता है वो अफ्रीका में आपको पाए जाएंगे। चीता को ज़्यादा वाटर नहीं मतलब कि चाहिए फॉर देयर सर्वाइवल, और वो ड्राई फॉरेस्ट में सर्वाइव कर सकते हैं, ग्रासलैंड्स में, ओपन प्लेन और डेजर्ट रीजन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है, अब हमारी छोटी छोटी न्यूज़ है। सबसे पहली है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। अभी क्या है, देखो सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि जो कॉरपोरेशन है स्टैचुरी कॉरपोरेट बॉडी है जिसको सेटअप किया गया था अंडर द एम्प्लॉयज इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक्ट 1948, जो रिस्पॉन्सिबल है कि ESI स्कीम को एडमिनिस्टर कर सके। फाइन, अभी जो ESI स्कीम है दैट इज़ एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, एक सेल्फ फाइनेंस कॉम्प्रीहेंसिव, मतलब कि सिंपल बात है, स्टेट क्या करती है अपने एम्प्लॉयज़ को इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है सो दैट हम उन पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके और अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोटेक्ट कर सके अगर वो कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस फेस करते हैं या सिकनेस की वजह से या डेथ अगर हो जाए उसके बाद उनके फैमिली फेस करे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उनको सिक्योर करते हैं। अभी क्या जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है उन्होंने ये बोला है कि हम जो इसके इस स्कीम के बेनिफिट्स हैं वो हम एक्सटेंड करके हेल्थ इंश्योरेंस भी कवर करेंगे किन किन वर्कर्स का, जो उस पर्टिकुलर कंपनी में कैजुअल वर्कर है या फिर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स है। फाइन, तो अभी इसमें सिर्फ हम उन एम्प्लॉयज़ का इंश्योरेंस करते थे जो वहाँ पर परमानेंट है, लेकिन अभी क्या है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट बोला कि हर एक कंपनी जो कैजुअल और जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं उनको भी कवर करेगी। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज मैप दैट इज़ द ISTEM पोर्टल। अभी क्या जो ISTEM पोर्टल है वो अब क्या करेगा, यूजर्स की हेल्प करेगा कि वो अपना कॉमसोल मल्टी फिजिक्स सॉफ्टवेयर को असेस। देखो गाइस ये एक सॉफ्टवेयर है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, कॉमसोल एक सॉफ्टवेयर है, तो इससे कहेगा इस पोर्टल के थ्रू क्या है, यूज़र्स अगर उनको कॉमसोल सॉफ्टवेयर चाहिए तो वो उसका असेस कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉमसोल ग्रुप एक स्वीडन में है एज अ टूल फॉर कंप्यूटर सिमुलेशन, अगर आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए सिमुलेशन में काम आता है लर्निंग और इंस्ट्रक्शन में। ISTEM एक नेशनल पोर्टल है जो रिसर्चर को असिस्ट करता है कि अगर आपको स्पेसिफिक फैसिलिटी को लोकेट करना हो, मतलब कि सिंपल बात है अगर आप रिसर्च करो अगर आपको कुछ चीज़ चाहिए तो आपको इस पोर्टल पर मिल सकती है। ठीक है, इसका एम ये कि वो रिसर्चर और रिसोर्सेज को लिंक करता है, मतलब कि किसी भी रिसर्चर को ज़रूरत है तो आप इस पोर्टल पर जाओ तो आपकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी बाय क्रिएटिंग अ डाटाबेस फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिसोर्सेज इन वेरियस इंस्टीट्यूशंस। ये इनिशिएटिव है किसको, ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, जो किसके अंडर है, PM के साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेटिव एडवाइजरी काउंसिल मिशन के अंडर। नेक्स्ट न्यूज़ है वूली फ्लाइंग स्क्विरल स्पीसीज। अभी के रिसेंटली क्या है, जो वूली फ्लाइंग स्क्विरल्स की जो दो नए स्पीसीज है जिनका नाम है टिबेटन वूली फ्लाइंग स्क्विरल, जिसका साइंटिफिक नाम आप ये देख लेना पढ़ लेना, और दूसरा यूनान वूली फ्लाइंग स्क्विरल। ठीक है, उनको हिमालय में पाया गया। जो वूली फ्लाइंग स्क्विरल है वो उसको एंडेंजर्ड स्पीसीज लिस्ट किया गया बाय IUCN, और ये लार्जेस्ट ग्लेडिंग मैमल है और काफ़ी ज़्यादा रेयर है, और इसके बारे में ज़्यादा स्टडी नहीं की गई, और एक मैमल है
काफ़ी टाइम से 20th सेंचुरी से माना जाया था ये एक्सटिंक्ट है, अंटिल इसको 1994 में रीडिस्कवर किया गया था नॉर्दर्न पाकिस्तान, मतलब कि इसको 20th सेंचुरी के शुरुआत में बोल दिया गया था एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, लेकिन 1994 में ये स्पीसीज को हमने प्रेजेंट पाकिस्तान में देख लिया था। नेक्स्ट है घरियाल, दैट इज़ द गवियाली गैंगेटिकस। अभी देखो घरियाली मतलब कि एक अभी के रिसेंटली क्या है, ओडिशा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने अनाउंस किया है कि अगर कोई घरियाल को रेस्क्यू करेगा, ठीक है, एक तरह का ये क्रोकोडाइल होता है, फाइन, तो अगर कोई इनको रेस्क्यू करेगा तो उनको कैश मिला जाएगा, ठीक है। घरियाल मेजरली आपको चंबल रिवर के पास मिलेगा, और इसके अलावा जो इनकी पॉपुलेशन है वो गिरवा रिवर में मिलेगी जो यूपी के कट्टरनीघाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, और रामगंगा रिवर जो कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और सोन रिवर, यहाँ पे इनकी कुछ कुछ पॉपुलेशन मिल जाएगी, लेकिन मेजरली वो कहीं पाई जाएगी चंबल रिवर पे। इसके अलावा सतकोसी गोर्ज महानदी है साउथर्न मोस्ट लिमिट है इनके घर की। IUCN स्टेटस वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ओडिशा क्रोकोडाइल्स की 3 स्पीसीज को रखता है, एक तो घरियाल है, एक मगरमच्छ जैसे हम बोलते हैं ना मगर, दैट इज़ अ वल्नरेबल है उसको, और एक है सॉल्ट वाटर जो लीस्ट कंसर्न है। अब देखो गाइस आपको पता होना चाहिए ये 3 स्पीसीज हैं जो ओडिशा में है, और जो घरियाल है उसका स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, मगर का वल्नरेबल है और सॉल्ट वाटर का है लीस्ट कंसर्न। मेजर थ्रेट्स क्या हैं, उनका हम हैबिटेट अल्टर कर रहे हैं, उनके जो शिकार है प्रे है उनको हम डिप्लीट कर रहे हैं, और हम उनको काफ़ी ज़्यादा पोच करते हैं फॉर आवर ओन यूज़। लास्ट न्यूज़ है, नहीं लास्ट नहीं है, अभी कुछ कुछ प्लेसेस से न्यूज़ में ज़रा देख लेते हैं। दिहिंग पटकाई असम गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया, जो दिहिंग पटकाई है वो नेशनल पार्क है, और ये लोकेटेड है कहाँ पे, डिब्रूगढ़ और तिनसुका डिस्ट्रिक्ट में। अब असम के पास 7 नेशनल पार्क है, अब पढ़ना काफ़ी अच्छा, अभी हमने रिसेंट पढ़ा था कि अरुणाचल प्रदेश के बारे में, अब हम असम में 7 नेशनल पार्कों के राइमोना, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग एंड डिब्रू साइकोवा, फाइन। इसके बाद है अड्डू अटोल, रिसेंटली के मालदीव स्टेट ने, जो मालदीव्स ने बोला है कि वो कोई डिसीजन नहीं ले रही है कि वो इंडिया के लिए अदू अटोल को खोल रही है। अदू अटोल एक साउदर्न मोस्ट आइलैंड ग्रुप है मालदीव्स में, और ये 4 चैनल्स में डिवाइडेड है, गनकांडू, विलिंगकांडू, माकांडा एंड कोडाकांडा, ठीक है, अब आप ये पढ़ लेना नाम। लास्ट न्यूज़ है, दैट इज़ द इंडो थाई कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, दैट इज़ द इंडो थाई कोऑर्डिनेटेड, अभी किया है जो इंडिया की नेवी और जो थाईलैंड की नेवी जिसको रॉयल थाई नेवी बोलते हैं, उन्होंने 3 डे का लॉन्ग 31st एडिशन ऑफ इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल रखा है अंडमान सी में, मतलब कि एक तरह का एक्सरसाइज है जिसमें मोनिटर मतलब पेट्रोलिंग करते हैं इंडिया की नेवी और थाईलैंड की नेवी, और ये 31st एडिशन है इंडिया और किसका, थाईलैंड का, और ये 3 दिन का तक चला है। ये बाई एनुअल एक्सरसाइज है, मतलब कि 1 साल में 2 बार होती है, और 2005 से ये हो रही है, सो दैट हम अच्छे लिंक्स बना सकें बिटवीन द टू नेशंस टू कीप द वाइटल पार्ट ऑफ इंडियन ओशन सेफ, सो दैट हम इंडियन ओशन को सेफ रख सकें एंड सिक्योर रख सकें फॉर ग्लोबल ट्रेड, फाइन, और कहाँ पे ये अंडमान सी में गया। तो गाइस यहाँ पे मेरे डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना, तब तक बाय बाय, टाटा।